विरासत में राजनीति मिलती है तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलता है, जहां एक ओर तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जो लोकसभा चुनाव जीते ही नहीं, और दूसरी ओर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह जो लगातार लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। और हम आज बात करेंगे झालावाड़ लोकसभा सीट की, जहाँ एक बार फिर भाजपा ने दुष्यंत सिंह को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने उर्मिला जैन भाया को मैदान में उतारा है। तो अब एक तरफ माँ तो एक तरफ पति की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नमस्कार, मैं दीपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश चुनावी नगरी। राजस्थान की महारानी के नाम से मशहूर वसुंधरा राजे झालावाड़ और बारह ग्रह क्षेत्र है। राजस्थान के झालावाड़ बारह लोकसभा क्षेत्र राज्य परिवार होने के नाते यहाँ एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से एकमात्र नाम दुष्यंत सिंह का भेजा जाता है और वो चार बार से लगातार सांसद बन रहे हैं। इस लोकसभा सीट से पहले लगातार पांच बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सांसद रही और अब उनके बेटे दुष्यंत सिंह लगातार चार बार से सांसद हैं। अगर कहा जाए तो यह सीट भाजपा का गढ़ है। यह लोकसभा क्षेत्र राजस्थान के कोटा संभाग के अंतर्गत आता है। खास बात यह है कि इस सीट पर 1984 के बाद कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। इस बार भी बीजेपी ने दुष्यंत सिंह को टिकट दिया और पांचवी बार मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने वर्तमान 12 जिला प्रमुख प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को राजस्थान सरकार में मंत्री रहे उनकी पत्नी को टिकट दिया है। उर्मिला जैन साल 2009 में दुष्यंत सिंह के सामने भी चुनाव लड़ चुकी है। झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ गुजरों का खासा प्रभाव है। गुजर के बाद इस सीट पर एसटी और एससी आते हैं, जिनकी आबादी लगभग 35% है। झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा सीटों में कुल 20,20,793 वोटर है। झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा में कुल 10,80,000 मतदाता है। वहीं 12 जिले की 4 विधानसभा में 9,40,000 मतदाता है। इनमें 10,37,000 पुरुष व 9,82,000 महिला मतदाता है। अगर उम्मीदवारों के कैरियर की बात करें तो दुष्यंत सिंह अपनी माँ और दादी के पदचिन्हों पर चलते हुए भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने पहला चुनाव वर्ष 2004 में जीता और राजस्थान के झालावाड़ 12 निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में चुने गए। 2009 में कांग्रेस लहर के बावजूद भी दुष्यंत सिंह अपना दूसरा लोकसभा चुनाव जीता। इस अवधि के दौरान सिंह ने अपने बेहतर सड़कों और शहर में व्यापी बुनियादी काम किए। इसके चलते साल 2014 में दुष्यंत सिंह भारी मतों से तीसरी बार जीते। 2019 में दुष्यंत सिंह लगातार चौथी बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते और भाजपा ने इस बार भी पांचवी बार दुष्यंत सिंह को मैदान में उतारा है। उर्मिला जैन भाया बीते 2 दशक से राजनीति में सक्रिय है। साल 2021 में जिला प्रमुख के पद पर चुनाव लड़ी और जीती। तो यहाँ हमने बात की झालावाड़ लोकसभा सीट की। हालांकि इस सीट पर भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों की नजर इस सीट पर टिकी है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज महिला नेत्री के सामने भाजपा के दिग्गज नेता और लगातार सांसद बन रहे दुष्यंत सिंह लगा। इस बार कांग्रेस इस चुनाव में क्या दुष्यंत सिंह को हरा पाएगी? ऐसी अगली कड़ी में हम बात करेंगे और लोकसभा सीट की, जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।